हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग अपने ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर मज़ीद सेक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड खोला है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐड अ गैजेट लिखे हैं, मगर ये देखें एक लिमिट तक यहाँ पर हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि मज़ीद इनमें इंक्रीज़ किया जाए, इन्हें मज़ीद ये और लगाएं जाए, किस तरह से लगाएं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे के बटन को दबाएं और आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से हम लोग बर वक्त आप लोग को मौसूल होती रहें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं ये अपने डैशबोर्ड में थीम के सेक्शन में। यहाँ पे एडिट HTML करके हम लोग HTML की कोडिंग को ओपन कर लेंगे। जब ये कोडिंग ओपन हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जो कि मेरे फेसबुक पेज से आप लोग को मिलेगा। तो वहाँ से हम लोग उस कोड को कॉपी करेगा, वो कोड आप लोग को मेरे फेसबुक पेज से मौसूल होगा। और यहाँ पे फिर देखिएगा लेआउट के सेक्शन में आके हम लोग को जहाँ पर भी लगाना है वहाँ हम लोग लगा लें। यहाँ पे मुझे लगाना है मेन पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन पोस्ट, तो मैं ये मेन पोस्ट जो लिखा है इसे मैं थीम सेक्शन में जाके सर्च करूँगा। सर्च कैसे करना है, पहले जो जहाँ कोडिंग लिखी है उसे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर कंट्रोल F दबाएंगे तो पे उसे आप सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये देखेंगे यहाँ नीचे मुझे मिल गया है मेन पोस्ट के नाम से सेक्शन, सही है। अब ये मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और ये यहाँ पे देखें ये कोड शुरू है इसका, सही है। तो मैं इसके दरमियान में, इन दो कोड के दरमियान में इस कोड को यहाँ पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैं सेव करूँगा और ये हमारा थीम सेव हो गया है। अब हम लोग आते हैं दोबारा से लेआउट के सेक्शन में। पहले हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा था और मैंने कहा था मेन पोस्ट और ये क्या कैटेगरी के दरमियान में डालूँगा, तो मैंने रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश होने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें शो होता है। रिफ़्रेश हो गया, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें यहाँ पर हमें दो सेक्शन अवेलेबल हो गए हैं, सही है। हम अब यहाँ पर मैं हम लोग को कैटेगरीज ऐड करके दिखाता हूँ। एक मैंने यहाँ पे ये सर्च की कैटेगरी ले ली, दूसरा मैं यहाँ पे प्रोफाइल की ले लेता हूँ और इसे मैं सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है किस तरह, हमारी वेबसाइट में ये शो हो रहा भी है कि नहीं हो रहा है। तो व्यू ब्लॉक करके हम आगे अपनी साइट में और इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमने पोस्ट के ऊपर वाले सेक्शन में ये दोनों चीज़ें डाली थी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करेगा। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।